फर्जी अज्ञात युवती की मौत का मामला सामने आया है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। निगोहा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेन की चपेट में आकर 22 वर्षीय अज्ञात युवती की मौत हुई है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। आज से G20 का शुभारंभ होगा। बड़ी खबर आपको बता रही है। G20 में 141 देशों के डेलीगेट्स शामिल होंगे। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्किलिंग पर चर्चा होगी। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आयोजित की जा रही है G20 बैठक। बाइक और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हुई है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राहगीरों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। मौदहा इलाके के बिघहना गांव के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी। कार चालक की मौके पर ही मौत हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साउथ जोन में अराजक तत्वों की कुंडई देखने को मिली है। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मामूली से कहा सुनी को लेकर अराजक तत्वों ने मारपीट की है। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। गोविंद नगर के 50 ml बार में कुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। डीसीपी साउथ जोन के गोविंद नगर का पूरा मामला है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गौवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस टीम ने 315 बोर असलाहा व कारतूस के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त पर पहले से कई मुकदमे दर्ज। गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस ने जेल भेजा है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौवध निवारण अधिनियम से वांछित अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। पुलिस टीम ने 315 बोर असलाहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त पर पहले से कई मुकदमे दर्ज किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस ने जेल भेजा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गौवध निवारण अधिनियम से वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी मयूरी जी, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी के नीमगांव कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला, जहां पर पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद शाह के निर्देश पर जो अपराधी फरार है उनकी धरपकड़ तेज की जा रही है। तो उसी क्रम में कल पुलिस नीमगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो मतीन रायपुर निवासी गौ अधिनियम और कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत पहले से भी थे, गंगेस्टर जैसे धारा है, तो जिसको लेकर कल पिपरी चौराहे के पास से जो है पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उसको जेल भेजा गया। तो कई संगीन मामले पहले से भी उस पर दर्ज हैं और गौवध जैसे
संगीत धाराएं लगी हुई हैं, पुलिस को कामयाबी मिली है, पुलिस ने कल निमगांव पुलिस ने पकड़ करके जेल भेजा है। जी धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।